में आपका स्वागत है। आज देखने आए हम लोग एयरफोर्स म्यूजियम जो कि पालम के पास में। राम राम जी भाइयों। तो भाइयों एंट्री सब ले ली है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका सदर बाजार छावनी, मजेंटा लाइन में पड़ता है। जिस भाइयों को मजेंटा लाइन के बारे में नहीं पता, मजेंटा लाइन पर्पल लाइन को बोला जाता है। और बाकी एंट्री वगैरह सब ले चुके हैं। वाक यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है। रिक्शे वाले 50 मांग रहे थे, हमें तो पैदल ही आए हैं। वो लोग अंदर में यार चालू कर रहा है मेट्रो वेट्रो का। सोच रहे होंगे कि वीडियो वगैरह इतने लेट क्यों आए भाई, काम धाम रहते हैं, पेपर वगैरह चल रहे थे, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, भाई के पेपर चल रहे थे, तो इस वजह से नहीं आ पाए। बाकी एंट्री ले ली है, बस दिखाना चालू करते हैं। हम दिखाना चालू दिखा दें बिल्कुल पलट देते। हाँ भाई क्या देखा था आगे जल्दी पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ते भी हो तुम भाई एयर स्ट्राइक करने के लिए ज़्यादातर ये प्लेन काम आते थे। ओह देखो वो लॉन्च होने की तैयारी। हाँ बिल्ली बैठी हो आप। अपने कितने तक फेंक सकता था? 4700 राउंड और 250 पाउंड का बॉम्ब। उस पे तोता बैठा है इस पे पूरा, देख रहा है ये। इन भाइयों ने बुरी वगैरह कोई मूवी वगैरह देखी हो आर्मी वाली, तो इनमें बंदे ज़्यादातर अपने सोल्जर्स वगैरह ले जाने के लिए काम आता था ये वाला। तो है तो बड़ा ये छोटा म्यूजियम। ये गाड़ी जेन्युइन लग रही है। ये बड़ा ड्रोन भाई का, बड़ा ड्रोन। ये कमांडर मेहर सिंह, मेहर सिंह टीवी तो बड़ी लगा रखी है। ये भी सही है, ये भी अच्छा है। ये फाइटर ड्रोन में क्या है सिस्टम? मोटर वाला सिस्टम है। अच्छा मतलब पानी मारते हैं। ये देखो गाइस ये नुकीली चीज क्यों आगे? ओ मिसाइल तो बड़ी बड़ी बन गया। कौन सा बन गया? बड़ा है भाई, ज्यादा ही बड़ा। सही है भाई, है जगह बढ़िया है। लेकिन वो कार पीछे खड़ी है, मेरे को जैनमैन लग रही है। वो वॉल्वो है शायद। ये मिसाइल कौन सी? रॉकेट है। रॉकेट रॉकेट ताजा ताजा रॉकेट अभी अभी पैदा हुआ। हां अभी पैक हो गया है बस। ये कुछ मेटल्स है, ट्रॉफीज मेडल है नो। ये देखो इस पे तो शेर बना रखा है, शेर। ये अगर जिन भाइयों ने देखा होगा GTA सैन एंड्रियास में इसके मिशन आते हैं जिस भाई ने खेली होगी, मैंने बहुत खेली है। ये भाई इंडिया, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। ये देखो इसका मत्था आगे रख दिया। अब अगला पेज जो होता है वो दिखाएंगे आपको बाहर के एरिया में, बड़े बड़े बले में छोटे छोटे परमाणु बम छोड़े जाते थे। देखो गाइस एंटी प्लेन बाहुबली, बाहुबली ज्यादा ही बड़ा एरिया है यहाँ, बड़े प्लेन रखे गए। डकोटा वहाँ बैठना था मुझे भी यार, जहाँ वो बैठा है। फायदा है यहाँ पर क्योंकि कोई ऐसे चल सकते हैं जैसे कि हमारा अंकित छोड़े हुए एक तो। ये देखो एक और, ये देखो इन्हें मुंडी झुकानी पड़ रही है, इधर फूल एकदम टो रहा है। पंखड़िया वगैरह भी जाम कर रखी है, इसके टायर पंचर है, इन्हें डर लग रहा था ये बाई चांस उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ये पबजी में भी आता है ऐसे। हाँ जो ये वाला प्लेन दिख रहा है पीछे, ये वाला कहाँ है? ये वाला हाँ, इसका नाम है AN-12 पर बोला जाए। मैंने आज ही खरीदा है 100 करोड़ का। भी दिखाते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन पता नहीं, अंधा पैसा ना हमारे पास इस वजह से। सही में बहन जो पंखड़ी देखो तुम्हें उतना बड़ा नहीं लग रहा होगा। हाँ लग रहा होगा लेकिन है भाई बड़ा। फैमिली का घूमने आया, निब्बी निब्बिया नहीं है, हम इस वजह से आए हैं यहाँ पे। पार्क छोड़िए जो निब्बी।
अभी जिस नी प्लेन के नीचे से हम आए थे सर नीचे करके, उसका नाम है राजदूत भाइयों। अब एक और आता है मिग 25 है, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला। पीछे कुछ इंजन्स के पार्ट वगैरह रखे, पंखड़ी है माँ के पीछे, वो भी है सिस्टम माँ की, ये पंखड़ी है लेगी। और मेन चीज जो आपको दिखाया जाए कि ये कंफर्टेबल के लिए ACT हाँ, बटन वगैरह दबाएगा तो उठती भी है। लौंडो एक और म्यूजियम के अंदर, एक और म्यूजियम है वहाँ भी चला जाए, ये देख के आते क्या सिस्टम है। ये देखो जाने के लिए बैठे, मुझे तो ये लग रहा है ये प्लेन अभी पीछे दिखाया था ना आपको, देखो सही मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी। मतलब टोटली अगर ये सीन बोला जाए है इन्फॉर्मेटिव है थोड़ा बहुत, ये कुछ परमाणु का सिस्टम है। अब ये नागमणी भाई ने नागमणी का देखियो, कई सालों से यहाँ पे छुपा के रखी है मैं बिना बताए, कोई नाम नहीं चलो हमारे अभी तक भाई, जो भी हमारे इच्छाधारी भाई बंधु हैं नागमणी नागमणी लेने के लिए आ सकते हैं, आ सकते हैं आप। ज्वेलरी ये क्या खरीद सकते हैं भाई? अच्छा खरीद सकते हैं, शॉपिंग का सामान भी है, सोवेनियर शॉप बोल, शॉपिंग का सामान भी है यहाँ पे। हमें तो एग्जिट मार ये देखो है ना बातचीत, ये देखो कौन सा एरोप्लेन अच्छा लग रहा है वो कमेंट में बताओ, खरीद लेंगे आज ही बुक करना है। हाँ तो शादी में इनवाइट करेंगे ना तो इसी प्लेन में बिठा के लेके आएंगे आपको। कौन सी गाड़ी है? जस्ट फीलिंग गाइस, ये फोर्ड की गाड़ी है, लग तो तगड़ी रही है भाई। एयरशो वगैरह का भी सिस्टम है यहाँ पर, और ये है युद्ध समिति। तो गाइस आ तो गए बाहर, बाहर आ गए, शोर ज्यादा हो रहा है, तेज बोलना पड़ रहा है। हाँ आपका क्या सीन है भाई, आप जा रहे हैं घर? घर जा रहे हैं, उस हिसाब का मजा नहीं आया जिस हिसाब का सोचा था, सोच के आए थे कि हाँ भाई बैठने बैठने को भी देंगे, पसाने बैठने भी दे रहे थे। हाँ जंजीर लगा रखी थी जंजीर, हाँ कह रहे कि बैच की टेंट अंदर घुस जाएंगे तो लेके भाग जाएंगे एरोप्लेन। हाँ तो जगह बताई जाए तो जगह की भाई टिकट प्राइस 30 रुपये। हाँ कैफेटेरिया एरिया बहुत महंगा है, वो बहुत महंगा, सोवेनियर शॉप भी बहुत महंगी। हाँ बाकी सॉरी बहुत टाइम भाई, महीने बर्बाद हम लोग आ रहे हैं। हाँ कम से कम काफी टाइम बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। आपसे अगर आप रेगुलर व्लॉग्स देखना चाहते हो, अभी थोड़ा लग सकता है टाइम कि अगला संडे भी शायद ना आ पाए व्लॉग क्योंकि मेरा एग्जाम। माफ करना भाई, करते कुछ प्रबंध एग्जाम है भाई मेरा, आऊंगा देख के कुछ आना है नहीं, एग्जाम देना मजबूरी है भाई। हाँ और बाकी अगर आप डेली लाइफ ब्लॉग देखना चाहते हो तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो पे एम रखते हैं 50 लाइक्स का, इसका एम रखेंगे डेली लाइफ की वीडियो आपको, मतलब डेली लाइफ ब्लॉग डाला करेंगे एकदम। हाँ सोच तो रहे हम लोग ऐसा, हाँ सोच रहे हैं 50 लाइक्स होती लोग आ जाए। तो तब तक के लिए भाई धन्यवाद, वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करो, शेयर मारो, सब्सक्राइब करो, तो तोड़ दो सब्सक्राइब का बटन। हाँ मिलते हैं फिर, कमेंट भी करके जाना जिस भाई को जो भी डाउट हो हम कमेंट में भी सब कुछ बता देंगे। वैसे हाथ दुख रहा है मेरा। हाँ तो बोलते हैं इतने अगले ब्लॉग में। हाँ तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा बाय बाय, महादेव, भारत माता की जय।